मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन SST में हिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे थे और अपन चैप्टर सेकंड इसमें पढ़ रहे थे। चैप्टर सेकंड अपने पास में है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, शिकारियों के झुंड के द्वारा खाने की व्यवस्था करना, ये अपने चैप्टर का नेम है। तो इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे पेज नंबर 16 पे, और पेज नंबर 16 तक मैंने आपको स्टडी करवा दिया था। आज अपन पेज नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 17 पे आ जाइए। डोमेस्टिकेशन यानी प्राणी पालन या फिर जानवरों को पालना इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। इस नाम के अनुसार आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से लोग प्राणियों को पालते हैं, जानवरों को और पादपों या पेड़ पौधों को पालते हैं या खेती करते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अक्सर पौधों और जानवरों के द्वारा ही लोगों ने अपने फूड की व्यवस्था की है, जो अब ज़्यादातर लोग डिफरेंट तरीके से इनको यूज़ ले रहे हैं। जैसे कि वाइल्ड जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, इनको भी लोग डोमेस्टिकेशन में डेवलप कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं और उनको फिर पालतू जानवर बना रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं ना, जो डोमेस्टिकेशन के लिए सुटेबल होते हैं, मतलब वो अच्छे से उनको रहन सहन में ढल जाता है। उन्हीं जानवरों को पालते जो उस वातावरण में वो रह सकता हो। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स देट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। और एग्जाम्पल वो ऐसे ही एनिमल्स को पालते जो इच्छुक हो, जो इच्छुक नहीं हो बीमारी को सहने के लिए, मतलब जो बीमार ना हो ऐसे जानवरों को वो पालते हैं। दे आल्सो सेलेक्ट प्लांट दे यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, और वो ऐसे ही पादपों को उगाते हैं जिनकी साइज अनाज की बड़ी है। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक, और उनके डंटल भी बड़े हैं। जो पादप हो रहे हैं ना, उनके मतलब जो अच्छी खेती हो रही है उन्हीं प्लांट्स को वो छाट के उगाते हैं। कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, और ऐसे ही पौधों को वो उगाते हैं जो वो वेट को अच्छे तरीके से सहन कर सके। जो पादप ऐसे पादप की नस्ल को उगाते हैं जैसे कि वो नस्ल उस पादप के वजन को सहन कर सके, उसमें जो ग्रेन्स उगेंगे ना उसका वजन भी वो सहन कर सके। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट आर प्रिजर्व एंड शोन टू एंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज। और जो इस तरह के बीजों को इन्होंने सेलेक्ट किया है प्लांटों के, जो हो सके टू एंश्योर दैट न्यू प्लांट्स, और नए प्लांट्स वो हो सके, विल हैव द सेम क्वालिटीज, और उनकी क्वालिटी भी वैसी ही रहे। इस तरह के बीजों को इन्होंने सेलेक्ट किया है जो अच्छे क्वालिटी के हैं और वही क्वालिटी आगे भी रहे। अमोस्ट एनिमल, जानवरों के बीच में दोज देट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। वो ऐसे जानवरों को पालते थे जो उनकी प्रजनन क्षमता अच्छी है, मतलब उनकी नस्ल अच्छी है। ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन, यानी जनरेशन आगे बढ़ाना। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स। और रिजल्ट के अंदर जो पालतू जानवर थे और जो पौधे थे ना वहाँ पर, बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवरों से बहुत ही अलग थे और उनके पौधे भी अलग थे। जंगली जो जंगलों से जो पादप उगते थे ना, उनसे पादप ये उगाते थे खेती करके, वो अलग थे। और इनके जानवर भी, पालतू जानवर भी अलग थे जंगली जानवर से। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जो जंगली जानवरों के टीथ और जो उनके सींग होते थे ना, वो बहुत ही बड़े होते थे डोमेस्टिकेटेड या पालतू जानवरों से।
लुक एट दिस टू सेट्स ऑफ टीथ, आप इन टू सेट्स को देखो टीथ के, विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू ए वाइल्ड पिग एंड विच टू ए डोमेस्टिकेटेड वन। अब आपको कौन सा डोमेस्टिकेटेड पिग का है ये और कौन सा वाइल्ड एनिमल वाइल्ड पिग का है? जो बड़ा है वो तो वाइल्ड पिग का यार है, जो जंगली सुअर का है, और जो छोटे टीथ है ना वो डोमेस्टिकेटेड का है, पालतू पिग का है। डोमेस्टिकेशन वॉज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टूक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जो डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस है ना वो अलग अलग तरीके से अलग अलग हिस्सों में बढ़ रही है। इट बिगेन्स अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, ये 12,000 साल पहले की बात है। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। और आज अपन जो प्लांट्स की नस्ल को यूज करते हैं, एनिमल को यूज करते हैं, वो उसी डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है। उस समय पे जो प्राणी पालन हुआ ना उसी का नतीजा है। याद अपन अच्छी पोजीशन में है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ली। कुछ डोमेस्टिकेटेड जो प्लांट थे वो इनमें से गेहूं और बाजरा भी थे। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूडेड शीप एंड गोट, और जो प्राणी पालन जो जानवर थे वो भेड़ और बकरियां थी। उस समय से ही ये इनको पाला जा रहा है, भेड़ और बकरियों को पाला जा रहा है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, इसी पेज पे पढ़ रहे अपन। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर आप एक सीड को उगाते हो तो आपको भी पता है कि उसको उगने में समय लगेगा। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज कोमा वीक्स कोमा मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स, इसमें कुछ दिन सप्ताह महीने या सालों भी लग सकते हैं। When people began growing plants, जब लोगों ने प्लांट्स उगाना शुरू किया, it means that they had to stay in the same place for a long time looking after the plants, और वो उसी जगह पर लगातार खेती करते रहते थे जिस जगह पे उन्होंने प्लांट उगाया है, कि जब तक अपन को अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है यहाँ से तो अपन वहीं प्लांटिंग करेंगे। वॉटरिंग वीडिंग ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, उसी जगह पे वो अपना रेंसिंग करते थे और वहीं उनको पेड़ पौधों को पानी दे देते हैं, और वीडिंग यानी खरपतवार निकाल देते थे फील्ड्स के अंदर से, और एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे हर्डिंग करने के लिए, चराने के लिए। एंड बर्ड्स को भी वो पालते थे। टिल द ग्रैंड रिपिन, जब तक कि अनाज पक नहीं जाए। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और उसके बाद में अनाज को केयरफुली यूज किया जाता था। पेज नंबर 18 पे आ जाइए। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड, अनाज को खाने के रूप में और सीड बीज के रूप में भी स्टोर किया जाता है, दोनों रूप में स्टोर किया जाता था। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, लोगों ने इसके बारे में सोच भी लिया था। इन मैनी एरियाज, कुछ जगहों पर दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और वे लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया था लार्ज क्ले पॉट्स यानी बड़े मिट्टी के बर्तन और बुनी हुई टोकरियाँ, और जो मिट्टी के डग यानी गड्ढा खोद के हाउस बनाते थे ना, पिट्स बनाते थे पहले लोग, मिट्टी का गड्ढा खोद के उसमें घर बनाते थे, वहाँ पे इसी जगह पे ग्राउंड पे ये स्टोर करते थे अपने फूड को। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज पॉट्स, आपने सोचा होगा कि हंटर और गैदरर्स भी पॉट्स को यूज करते थे। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको इसका आंसर देना है, वो अपन बाद में करेंगे इनके आंसर्स। स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड्स If they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. जानवर जो मल्टीप्लाई सामान्यतः ही रहते थे, इसके अलावा वे केयरफुली भी रहते थे, दे प्रोवाइड मिल्क, और इनसे अपन को क्या मिलता है, मिल्क।
ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है अपना खाने का। और जानवरों से क्या मिलता था, मीट, ये भी अपन को खाने को मिलता है जब कभी भी अपन को आवश्यकता होती है। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स देट आर रियर्ड कैन बी यूज एज ए स्टोर ऑफ फूड। एनिमल्स को इसलिए भी पाला जाता है कि ये अपने अपने को फूड को स्टोर करके देता है। अपार्ट फ्रॉम फूड, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, व्हाट आर एनिमल्स यूज फॉर टुडे। आपको ये पता लगाना है कि अपन एनिमल से कौन कौन सा खाना प्राप्त करते हैं और आज जानवर, आज के समय में जानवरों को अपन किस उपयोग में लेते हैं, ये भी आपको पता लगाना है। तो मैं आपको कुछ वर्क बता देता हूँ। ये ऊपर आपको जो दोनों क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, इन दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर फाइंड करने हैं और अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी करने हैं। ये जो आपको दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, टर्न टू मैप सेकंड, मैप सेकंड में पलटिए पेज 13 पे। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर्स। आपको पेज नंबर 13 पे ब्लू कलर के स्क्वायर दिख रहे हैं। पेज नंबर 13 पे ये ब्लू कलर के स्क्वायर्स है ना, इधर देखो आप ब्लू कलर के स्क्वायर्स हैं, ये सारे ब्लू कलर के स्क्वायर्स है ना। इन जगहों पे कुछ विशेष बात है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे भी। इस मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। पिछले समय के जो फार्मर्स थे और हर्डर्स थे ना, जो पशुओं को जानवरों को पालते थे, उनके एविडेंस मिले, सबूत मिले इन जगहों पे कि वो लोग किस तरह से जानवरों को पशुपालन करते हैं या फिर खेती करते हैं, उनके अवशेष वहाँ पर मिले हैं। इन जगहों पर जो आपको यहाँ पे ब्लू स्क्वेयर्स दिख रहे हैं, गुड़जाऊ में, मेहरगढ़ में, कोलदीवा में, दोजोली हेडिंग में, हालोर में और पेयमपाली में, ये क्या है, इन जगहों पर लोगों को जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, मतलब पुरातत्वविद, मतलब जो पुरानी चीज़ों पे वाद विवाद करते रहते हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। पुरानी चीज़ों के बारे में खोज करना बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो उनको वहाँ पर अवशेष मिले, एविडेंस मिले यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पे लोग फार्मर खेती करते हैं, किस तरह से यहाँ पे हर्डिंग की जाती थी, मतलब पशुओं को पाला जाता था, उसके बारे में अवशेष वहाँ पर मिले हैं। These are found all over the subcontinent. ये सभी उपमहाद्वीपों पर इनके अवशेष मिले हैं। Some of the most important ones are in the northwest. इनमें से सबसे most important है northwest, यानी उत्तरी पश्चिमी में, in present day कश्मीर, present में ये कश्मीर है, and in east और पूर्व में, and south India और south India में भी इनके evidence मिले हैं, किसके, farming के और herding के। टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट पर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स, इन जगहों पर लोगों को फार्मर्स और हर्डर्स के अवशेष मिले हैं, सेटलमेंट मिले, किस तरह से लोग यहाँ पे अपना गुजारा करते थे। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स, और साइंटिस्ट ने स्टडी की थी उन एविडेंसों को जो प्लांट्स और एनिमल्स के बोन्स वहाँ पर मिले हैं, प्लांट्स के कुछ अवशेष और जो एनिमल्स के बोन मिले ना, उनको साइंटिस्ट ने स्टडी भी करा। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूडेड रिमेंस ऑफ बर्नट ग्रेन, और एक मोस्ट एक्साइटिंग चीज वहां पर यह मिली कि वहां पर जले हुए अनाज भी मिले। दिस मे हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस, ये शायद एक्सीडेंटली अचानक दुर्घटना के कारण जल गए होंगे या फिर किसी कारण बस किसने जला दिया होगा इन अनाज को। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन, साइंटिस्ट इन चीजों, इन अनाजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, और वहाँ पर यह भी जानने की चीज़ थी कि अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स भी वहाँ पर उगी हुई थी
जो अलग अलग उपमहाद्वीप के पार्ट्स पे उगी हुई थी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। वे साइंटिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की बोन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, टिक लगा लीजिए। और आपको मैं आज का होमवर्क बता दिया मैंने आपको, ये दोनों क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है और इसमें आगे अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।